तुम अगर हार्दिक पांड्या की जगह होते तो सरेंडर कर गए होते। महावीर के कान में कील ठोक दिया इस कंट्री ने, जीसस को क्रूसीफाई कर दिया, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा सकता, इतने प्यारे आदमी है वो। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करना, वो इतने नेक इंसान है, प्यारे इंसान है, लव का मैसेज दे रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं मैं भगवान का बेटा हूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, उनको माफ कर दो। तुमको लगता नहीं है तो ठीक है, उनको क्रूसीफाई करने की क्या जरूरत है। पर तुम देखो इंसान की फितरत, उसी लैंड में एक दूसरा आदमी हुआ है, चंगेज खान। मैं ये तुमसे बार बार कहता हूं ना, शक्ति इकट्ठा करो, युद्ध की तैयारी में रहो, ये नाहक में नहीं कहता हूं। उसको बहुत लोग बड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं कि बदमाश बना रहा है अपने लड़कों को। मैं हिस्ट्री के एग्जांपल्स लेता हूं। एक मुसलमान सूफी था मंसूर, सीधा साधा आदमी बेचारा, अनहलक अनहलक कह दिया मैं ही ब्रह्म हूं, उसको काट डाले डमेस्कस के बाजार में, इसीलिए भुगत रहे हैं आज। एक्चुअली ये जो दुनिया है ना, ये है एकदम, जो भी तुम्हें पढ़ाया गया वो सब गलत पढ़ाया गया स्कूल में, इतना जान लेना। ऑनेस्टी डैश पॉलिसी। मारा जाओगे अगर तुम उन चीजों को समझ नहीं पाओगे तो। गए बताओ, जीसस क्राइस्ट चंगेज को क्रूसीफाई करो, जिसको मारता था उसका कलेजा निकाल लेता था खाने के लिए, तो कभी जानवर का कलेजा नहीं खाया उसने। अरे बोला ये जेल में कितने लोग, बोले साहब 23 लोग है, बोले निकाल लाओ। गिड़गिड़ाता था आदमी, अब नहीं करेंगे अंकल, बदतमीजी नहीं कर, बोले कर चुके हो बेटा, अब नहीं करने की बात नहीं है, कर चुके हो, अब अगले जन्म में मत करना।